शाहबाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आपका सरोज, क्या घटना हुई सरोज जी आपकी बेटी के साथ? भैया मुझे नहीं पता, मुझसे तो यही कही तुम्हारी लड़की आग लग गई। अच्छा। आग लगने के बाद में फिर मैंने फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। कब की बात है ये? बात है मेरे पास तो 2 बजे फोन करा। आज तो आपने अपनी बेटी की ब्याह कहाँ करा था? कौन से गाँव में करा था? खंडेली में। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? दड़ौली। कहाँ पड़ता है ये? अच्छा अच्छा, जिला कौन सा है? जिला। तो आपका क्या आरोप है? क्या क्या आपका मानना है? आपकी बेटी के साथ जान से मार दिया दहेज के चक्कर। प्रताड़ित करते थे क्या दहेज के लिए? हाँ, तंग करते। अच्छा। 50,000 रुपए लेकर अपनी माँ से। अच्छा। मुझे कुछ नहीं दिया। उसके पति का क्या नाम था? शिव कुमार। वो क्या करते थे? वे मोबाइल की दुकान पे करते और किस नहीं करते खेत। बस मोबाइल की दुकान कहाँ थी? मोबाइल की दुकान गाँव में ही थी और कुछ नहीं करते थे ना। तो आपने कोई कार्रवाई करी पुलिस में? क्या पुलिस में? आप वहाँ आए तो कुछ ना हो, कब तक यहाँ आए, यहाँ लिखवाइए रिपोर्ट वगैरह। और बाकी बाद में जब गए होंगे वहाँ। कौन गए? जो सीओ की गाड़ी गई है, उन्होंने जगह वहीं बैठी रहे, बाकी बाद में हम आ रहे हैं। तुम्हारा? गौरव शर्मा नाम है सर। गौरव शर्मा जी, क्या मामला है? आप मामला जी है सर के हमारी भतीजी की शादी जो है मतकर ठकिया जी है अफजलपुर अड़ोली किससे हुई थी, और जी यहाँ पे हमने खंडेली में शादी करी थी उसकी। अच्छा। अब वो लड़की खत्म हो गई और जब हमारे पास फोन पहुंची तो हम गाड़ी लेकर आए, जब हम पहुंचे तो उनसे पहले ही उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया उसका। अच्छा। और हमसे उन्होंने जे कही, बोले जो तुम्हें करना है वो तुम करो, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते। और हम वहाँ गए तो सीधे गाँव वाले एक थे और हमसे लड़ने को तैयार थे। क्या नाम था भतीजी? प्रीति नाम था सर। उम्र 23 साल की। शादी कब हुई थी? शादी को 6 साल करीब। बच्चा है कोई? एक लड़का है, डेढ़ साल। तो आपका क्या मानना है उस लड़की की कैसे मृत्यु हुई? उस लड़की के लिए उन्होंने अपने हाथ से जला के मार दिया। जलाकर? हाँ। क्या कारण रहा जलाकर मारने का? वही कारण था, तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, जे ना दिया वो ना दिया, दहेज ना दिया, और आने जाने पर टोकते थे, होली दिवाली पर रक्षाबंधन वगैरह पर रोकते थे, बोले तुम्हारे भाई तुम्हें क्या देते हैं और तुम्हारा बाप खत्म हो गया तुम क्या करोगे जाकर। तो इस चक्कर में घर में झगड़ा चलते। आपका उसका मायके पक्ष से आना जाना था? नहीं, हमारी भाभी का आना जाना था, हमारा आना जाना नहीं था। हमसे तो देखते वो खिसे आते थे, लड़ते थे, और एक बार हम गए थे तो हमसे उन्होंने झगड़ा करा था। क्यों? बस ऐसे ही झगड़ा करा था, बोले कि आपका जी है कि वो हमसे थोड़ा कम संपर्क रखते थे नो का। वो छोटी लड़की जो थी उनकी, हमारी भाभी की छोटी लड़की जो थी उसकी भी शादी उन्होंने अपने मुमेरे जिसके साथ शादी हुई थी, लड़का के साथ, दमाद जो है भाभी का, अपने फुफेरे भाई के संग कराने के चक्कर में हमसे दुश्मनी बांधी थी।